दिल्ली करोल बाग को कौन नहीं जानता। यहाँ गाड़ियों की हर एक मॉडिफिकेशन किया जाता है जिससे गाड़ी में चार चांद लग सके। ऐसे में हम आ चुके हैं ललित कार्ड एक्सेसरीज पे और यहाँ पे देखने वाले हैं क्रेटा फेसलिफ्ट का जो ई मॉडल बेस मॉडल आता है उसको टॉप बनाया जा रहा है। लेकिन किस तरीके से काम किया जा रहा है और ललित कार एक्सेसरीज का क्या राज है, मतलब किस तरीके से इस क्रेटा को तैयार करने वाले हैं, वो सारा आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। देखो, गाड़ी जब आप बेस मॉडल खरीदते हो तो उसको टॉप बनाना चाहते हो या उसके अंदर कुछ ना कुछ अपडेट करवाना चाहते हो, तो ऐसे में क्या होता है कि आप अपने पास के एक्सेसरीज शॉप पे जाते हो, नहीं तो दिल्ली के आसपास के शहर के हो तो वो आप करोल बाग चले जाते हो। लेकिन करोल बाग की एक सच्चाई भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब हमने ललित कार एक्सेसरीज पे बात करा कि बेस टू टॉप मॉडल आप किस तरीके से बनाकर तैयार करते हो, तो उन्होंने बताया कि क्रेटा फेसलिफ्ट एसयूवी सेगमेंट का राजा है। ऐसे में किस तरीके से हम बनाकर तैयार कर रहे हैं आप अपने आंखों से देख लो। ऐसे में लोगों का ज्यादा क्वेश्चन रहता है कि भाई कपलर टू कपलर यानी कि जो वायर टू वायर काम किया जाता है या फिर वायर में किसी तरीके से कटिंग होता है, क्योंकि जब वायर में कटिंग हो जाएगा तो आपकी गाड़ी की वारंटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में कपलर टू कपलर काम कहाँ पे होता है, तो ललित कार एक्सेसरीज पे आप आ सकते हैं। और यहाँ पे जब क्रेटा को इस तरीके से जब तैयार किया जाता है और आपके गाड़ी के जो पार्ट हैं उसको भी बड़े प्यार से खोला जाता है, किस तरीके से देखिए, बड़े प्यार से आपके गाड़ी के पार्ट को खोला जाएगा और बड़े प्यार से उसको सेट किया जाएगा। अब देखो, बेस मॉडल के अंदर इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन तो आ जाता है लेकिन उसके अंदर टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं आता, तो उसके लिए क्या होगा, पहले जो इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन है उसको खोला जाएगा और उसके बाद इसके अंदर जो टच स्क्रीन डिस्प्ले है उसको सेट किया जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से वो तैयार कर रहे हैं और फिर इस तरीके से वो वायर टू वायर अपने हिसाब से सेट करते हैं। लेकिन जब इसको आप खोलोगे ना तो इसके जो कपलर हैं यानी जो वायर हैं आपके, उसके अंदर एक प्लग सा आएगा इस तरीके से, देखो मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो प्लग आता है ना वो डायरेक्ट इस तरीके से सेट कर देते हैं जिससे जो है पूरा इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन और जो डिस्प्ले है आपका वो पूरा सेट हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से जब वो ओपन करेंगे और इसके अंदर एक वायर होता है, एक या फिर दो वायर होता है, वो आपके जो है देखिए इस तरीके से वायर होता है, तो इस वायर को जो है सिंपली इस तरीके से निकाल लेंगे और जो डिस्प्ले आएगा उसके साथ वो सेट कर देंगे। अब देखो इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन को तो ये दोबारा लगा देंगे इस तरीके से और फिर उसके बाद इसके अंदर टच स्क्रीन डिस्प्ले भी लग जाएगा। अब देखो बेस मॉडल के अंदर सीट फैब्रिक आती है तो इसके अंदर आप कवर लगवा सकते हैं, लेदर का टच लगवा सकते हैं जिससे जो है बढ़िया तरीके से गाड़ी की एक ओवरऑल लुक निकल कर आएगी और आपको कंफर्ट भी फील होगा इसके अंदर बैठ के। तो देखिए कुछ इस तरीके से खोलकर इसको तैयार कर रहे हैं और आपके मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि भाई इस तरीके से गेट को क्यों खोल रखे हैं। देखो इसके अंदर होता है डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या होता है, अगर आप अपने गाड़ी के अंदर सॉन्ग वगैरह बजा रहे हो तो उसके अंदर बेस होता है ना, तो बेस की वजह से ज़्यादा आवाज़ करती है आपकी गाड़ी, तो उससे आपकी गाड़ी जो आवाज़ नहीं करेगी अगर आप डैम्पिंग करवाते हो। इस तरीके से इसके अंदर स्टिकर आता है जो मोटी स्टिकर होती है जिससे आपकी गाड़ी जो है वो खाली खाली नहीं रहेगी और बढ़िया तरीके से आपकी गाड़ी बैलेंस बना रहेगा। उसके बाद ये देखिए जो स्टेयरिंग आता है उसके अंदर लेदर टच करवाने के लिए इस तरीके से लेदर इसके ऊपर चढ़ाया जाता है और जब चढ़ जाती है तो इसको मोटी सिलाई दी जाती है जिससे जो इसके धागे हैं वो टूटे ना। तो इस तरीके से सेट करने के बाद इसको प्रॉपर देखा जाता है कि किस तरीके से ये स्टेयरिंग मुड़ रहा है या फिर नहीं मुड़ रहा है, इस तरीके से सेट किया जाता है। अब देखिए जब आप बेस मॉडल खरीदते हो तो उसके अंदर तो लेदर टच आता नहीं है और लेदर टच से क्या होगा, जो आपके हाथ हैं वो स्टेबल रहेगा और जैसे आप करना चाहो तो आपके हाथों से फिसलने वाला स्टेयरिंग नहीं है। तो लेदर टच से ये फ़ायदा होता है स्टेयरिंग पे, तो देख सकते हैं आप इस तरीके से लेदर टच लगवा सकते हैं और ये भी टॉप मॉडल बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अब देखिए डैम्पिंग का जो काम हो रहा है, इस तरीके से स्टिकर आती है, इसकी मोटी स्टिकर आती है और दरवाजे में इस तरीके से फिटिंग किया जाता है और जो इसकी जो जैसे आप खाली कमरे में जाओ तो जब आप बोलते हो तो उसकी आवाज़ें गूंजती है, लेकिन आप जब भरे हुए कमरे में जाओगे तो उसके अंदर जो आवाज़ है वो नहीं गूंजेगी। ठीक उसी तरीके से ये डैम्पिंग का भी काम होता है, तो जब गाड़ी अंदर से खाली होगी, इसके दरवाजे खाली होते हैं तो ये जब आप बंद करते हो दरवाजे को तो ज़्यादा आवाज़ करता है, तो डैम्पिंग से ये फ़ायदा हो सकता है। और इस तरीके से डैम्पिंग को तैयार किया जाता है, आप देखिए इस तरीके से लगाया जाता है प्रॉपर फिटिंग के साथ और इसका जो फ़ायदा है आपको जब गाड़ी आप चलाओगे तो ड्राइव करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब देखिए इसके जो लाइट हैं वो लाइट को भी निकाला जाएगा क्योंकि प्रॉपर DRLs के साथ ये सेट होगी और उसके लिए आगे ग्रिल को जो है उसको भी खोला जाता है इस तरीके से और जब इसके अंदर लाइट सेट होगा तो ये प्रॉपर फिटिंग हो जाएगा इसके साथ। तो देखिए बड़े प्यार से आपके जो गाड़ी के पार्ट हैं वो खोले जाएंगे और बड़े प्यार से उसको लगाया भी जाएगा, तो इस तरीके से गाड़ी पूरी खुलकर तैयार है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत दया भी आने वाला है अपनी गाड़ी के ऊपर, लेकिन काम करवाने के बाद बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत होने वाली है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है जब आप बेस भी खरीद लेते हो ना तब भी आपको इसके रेयर में किसी तरीके का काम करवाने का जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि इसके अंदर जो LED फुल लाइट आती है वो फुल ब्रेथ में आपको करवाना पड़ेगा
और उसके बाद चारों दरवाजों के साथ डैम्पिंग किया जा रहा है ताकि बैलेंस बना रहे। और देखिए जो एलईडी लाइट्स आती है ना फुल ब्रिथ में, बेस मॉडल के अंदर नहीं आती, तो उसको फुल ब्रिथ में करवाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो इंटीरियर का काम है वो इस तरीके से किया जा रहा है। तो देखो गाड़ी का काम बहुत ही प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है और इसके अंदर जो जो सामान लग रहा है मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपने क्रेटा सिंपली देखा होगा, उससे टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि देखो जो जो सामान लग रहा था मैंने आपको बता दिया गाड़ी के अंदर क्या क्या सामान लग रहा है और जिससे आपकी गाड़ी बेस टू टॉप बन सकती है। यानी कि जब आप बेस मॉडल खरीदते हो इसके अंदर 2.5 से 3 लाख रुपए आपके जब लगेंगे तो ये पूरी तरीके से टॉप मॉडल बन जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आपके एलॉय व्हील में लगेंगे। अगर आप गाड़ी को जब टॉप बनाओगे तो उसके अंदर एलॉय व्हील में ज़्यादा पैसे आपके लग सकते हैं, लेकिन गाड़ी पूरी तरीके से टॉप मॉडल बन जाएगी और इस तरीके से पार्ट आप लगवा सकते हैं जिससे आपकी गाड़ी टॉप बन सकती है। और क्रेटा जो है एसयूवी सेगमेंट का किंग कही जाने वाली गाड़ी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप क्रोल बाग से मॉडिफिकेशन करवाते हो गाड़ी के अंदर तो आप ललित कार एक्सेसरीज पे ज़रूर जा सकते हो। उसके अंदर कपलर टू कपलर काम किया जाता है, किसी तरीके का आपको वायर कटिंग नहीं देखने के लिए मिलेगा और एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। काम अच्छा, बहुत ही प्यार तरीके से वहाँ काम किया जाता है जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा भी होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।